बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। मैं तुम्हारे लिए इंतकाम का रास्ता खोलूंगा, बेफिक्र रहो। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हम मंगोल अपने दोस्तों से उनकी दोस्ती के लिए सौदेबाजी नहीं करते। अलबास्ती हमारा हकीकी दोस्त था, उसकी मौत का इंतकाम लेना हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी तुम्हारी। बाबा ने जिसके बारे में बताया था, क्या ये वही जासूस है? ऐसा ही लगता है। तो ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। क्या करना चाहती हो तुम? जल्द कबीले में नया सरदार मुंतखब किया जाएगा और उस जिरगे में मेरी बहन का नहीं बल्कि मेरा नामजद किया सरदार मुंतखब होगा। उसके बाद सब कुछ मेरे इख्तियार में आ जाएगा। अंदर चलकर ही देखना होगा हमें। बंसी भाई बात सुनिए, हमें इंतजार करना चाहिए। अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। इस आदमी को किसी भी सूरत हाल से नहीं जाने दे सकते। बहुत मुश्किलात झेली हैं हमने, लेकिन इस ज़मीन में अब मजीद ताखीर की जरूरत नहीं। अब से इलबिल के खातून हमारे कबीले की खातून होंगी। कहीं यहां कोई सुरंग तो नहीं खोद रखी? तुम हमारे औताक में आ जाओगी। उमूर सरदार की बेटी हमारी बहू बनेगी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये मकतूब तुम्हें फौरन हलाकू खान तक पहुंचाना है। आरिक बुका के लिए मेरी जान भी कुर्बान है, मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा। लेकिन आप फिर भी सरदारी के उम्मीदवारों के बारे में बहुत मोहतात रहिएगा इलबिल के खातून। किसी बाएतमाद शख्स को सरदारी के लिए मुंतखब कीजिए और जिरगे में हिमायत करें उसकी। एक शख्स है मेरे जहन में, मैं बहुत जल्द उनसे बात करूंगी। ये है वो मालूमात जो ये लोग हलाकू खान को भेजने वाले थे। खूब, बहुत खूब। देखना, अब ये लोग इनकी लाशें भेजेंगे वहां मालूमात के तौर पर। अब मौका है तुम्हारे पास, पहले सरदारी हासिल करो और फिर मुझसे निकाह। आप हम लोगों से क्यों छुपाते हैं कि कहां जा रहे हैं? बहुत मुश्किल होता है सरदारी का मनसब उस्मान, कुछ राज औलाद से भी छुपाने पड़ते हैं। इल्तकिन की हर वक्त याद सताती है मुझे। पूरी उम्मीद थी कि वो हमारे पीछे यहां जरूर आएगा, मगर अब तक उससे मेरी मुलाकात ना हो सकी। सिलजान, जैसे ही हम इन मुश्किलात से बाहर आएंगे फौरन जाकर अपने बच्चे से मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साहब। अर्तुरुल सरदार एक मुहिम की वजह से दूर जा रहे हैं, पहले वो खैरियत से वापस आ जाएं, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। अल्लाह इबादत कबूल फरमाए मेरे भाई। आमीन। सिपाही तैयार है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई।
एक वक्त हम पर वो भी आया था जब मंगोलों की वजह से हमें अपने कबीले और अवताह को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर रहना पड़ा था और वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उस वक्त खुद से वादा किया था कि उन जालिमों से उनके जुल्म का हिसाब जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंशाल्लाह जब मैं वापस लौटूंगा तो हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे भाई। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। यह सफर बहुत तवील है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बानो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अंदर तुर्कुत। भाई मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं। मैं भी तैयार हूं। जब आप फरीजे की अदायगी में हो तो मैं आराम नहीं कर सकता। बहादुर भाई हो तुम मेरे, तुम्हें अपनी तवानाइयां बहाल करने की जरूरत है। मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाओ पहले। अगर बात आराम की है भाई तो जंगों के दौरान कई बार घास पर सोया हूं, मैं अब भी सो जाऊंगा। मुश्किल वक्त में कोई भी बिस्तर हो बेआराम नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है इतना सेहतमंद हो चुका हूं कि हथियार चला सकता हूं मैं। और अगर मैं आपके साथ नहीं गया तो मेरे ये जख्म नहीं भर पाएंगे। आप जानते हैं भाई, अपने साथ चलने की इजाजत दीजिए। माशाल्लाह मेरे भाई, तो ठीक है तुम्हें इजाजत है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं कुंदोगदू भाई के साथ रहोगे। मेरा सफर तवील है दुर्गुद, इसलिए तुम्हारा गुंदोगदू भाई के साथ रहना मुनासिब होगा। बहुत शुक्रिया भाई, जो आपका हुक्म। आपने मुझे याद किया एलबिल की खातून। आप मेरे बाबा के दोस्त थे बताल सरदार, एक मसला दरपेश है, मैं उस पर आपसे मशवरा करना चाहती हूँ। आप हुक्म कीजिए, क्या मसला दरपेश है? आप जानते हैं मैंने अपने भाई की जगह सरदारी का मनसब संभाला है, लेकिन बहुत जल्द मैं काई कबीले की खातून बन जाऊंगी। नया सरदार शादी से पहले चुन लेना चाहती हूँ मैं। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो हमें और रिवायात को जानता हो, जो शख्स इस मनसब के लायक हो। आपकी और बाबा की दोस्ती तब से थी जब आप दोनों सिपाही हुआ करते थे। मुझे यकीन है ये जिम्मेदारी आपके अलावा कोई नहीं निभा सकता। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि कबीले वालों का रद्द अमल क्या होगा, और बेबुलाद सरदार के हामी भी मौजूद हैं कबीले में। क्या वो मेरी हिमायत करेंगे? आप इसकी फिक्र मत करें बत्ताल सरदार, आपको मेरी और अर्तुरुल सरदार की मुकम्मल हिमायत हासिल है। और इन मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी किसी ऐसे शख्स को नहीं दे सकते जिस पर हमें एतमाद नहीं। आप सबसे जाती तौर पे मुलाकात करें और उन्हें मेरे फैसले के बारे में बताइए। तो फिर जो आपका हुक्म इल्बिल के खातून।
अरिक बुका, अरिक बुका। तुम्हारी वजह से मेरा शिकार हाथ से निकल गया। अगर खबर अहम ना हुई तो तुम्हारा सर कलम कर दूं। और तुरुल और गुंदोक दू। क्या हुआ उन्हें? वो कबीले से रवाना हो गए लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते पर गए हैं। किस तरफ गए हैं? और तुरुल मशरिक की तरफ और गुंदोकदू शुमाल की तरफ गया है। गुंदोकदू शुमाल की जानिब गया है तो बरके खान का भेजा हुआ सोना लेने गया होगा। और अर्तुरुल? अगर अर्तुरुल बरके खान का सोना वसूल करने नहीं गया तो इसका मतलब कोई अहम जिम्मेदारी पूरी करने गया है। कहां गया होगा? अगर वो मशरिक की जानिब गया है तो मतलब बरके खान के जिस जासूस तुरमताई को हमने मारा है उसकी खबर वो बजाते खुद बरके खान को देना चाहता है। अगर ये सही हुआ तो ना जाने हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तुमने उस परिंदे से बेहतर शिकार की खबर दी है। अर्तुरुल मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए और इसे यकीनी बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। दिल की वादी में जो लोग गुंदोकदू से निमटने के लिए तैनात किए गए हैं उन्हें कह दो कि गुंदोकदू मुझे जिंदा चाहिए। हम अर्तुरुल का रास्ता रोकने जाएंगे। उसके लिए हमें एक जाल बिछाना है। अब देखेगा वो कैसे उसका सफर मौत का सफर बनता है। शुक्र अल्लाह का, इस औताक में भी अब खातून होगी। वालिदा, मुझे खुशी इस बात की है जो खातून यहाँ आएगी वो मुनासिब इंतखाब है मेरे बेटे का। बिल्कुल सही वालिदा। आपने देखा नहीं था अर्तुरुल भाई जिस वक्त अपनी शादी का ऐलान कर रहे थे इलबिलगे खातून कैसे खुशी से मुस्कुरा रही थी। इलबिलगे खातून का दिल बहुत अच्छा है बेटी। रब ने उसे इस मकाम की बसीरत अता की है और इसके साथ उसे इफ्फत और फजीलत भी बख्शी है। मुझे यकीन है कि वो भाई के लिए बेहतरीन खातून साबित होंगी। अर्तुरुल ने अपने बच्चों को अकेले परवान चढ़ाया है। वो उनके लिए माँ भी था और बाप भी। मुझे बस एक ही डर था कि अर्तुरुल कहीं अकेला ही बूढ़ा ना हो जाए। इलबिल के खातून जब उसके सामने आई तो मैं उस डर से आजाद हो गई। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो कोई अफसोस नहीं। अल्लाह ना करे वालिदा, अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर कायम दायम रखे। यहां है वो, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। मैं पूरी तरह मोहतात हूं गुंदोकदू भाई। हम इन पर मुकम्मल हावी रहेंगे इंशाल्लाह। आज मुलाकात है, एहतियाती इकदामात कर लिए? बेफिक्र हो जाएं, हमारे आदमी पहले ही घात लगाए मौजूद हैं। बहुत खूब,
वो समझेंगे कि हम बरके खान के आदमी हैं। हम कोई भी मशकूक हरकत नहीं करेंगे, फिर हम अचानक हमला कर देंगे और गुंदोगदू को गिरफ्तार कर लेंगे। समझ गए? चलो बिस्मिल्लाह। जैसा मैंने कहा था वो किया था मुके जी? बिल्कुल, सारी तैयारी है। तो चलो फिर अपनी गलती को सुधारते हैं अर्तुरुल के कटे हुए सर के साथ। कहां से आया है सामान? समंदर किनारे से। सिपाहियों, ये सारे संदूक उठा लो। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से सोना लेकर चले जाओगे? हम इन संदूकों में तुम्हारे सर रख के बरके खान को भेजेंगे। देखते हैं किन के सरों से ये संदूक भरते हैं। हमला! हक अल्लाह! यहां ना कोई तूफान आया है ना कोई सैलाब, फिर ये दरख्त कैसे गिर गए? अरे पुका, कहा था कि तुम्हारी जिंदगी अज़ियतनाक बना दूंगा अर्तुरुल। जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने मौत बनकर आ जाऊंगा। लगता है तुम अभी तक समझे नहीं कि मुझे काबू करना मुश्किल है। तो फिर जैसे अलंजक को समझाया था वैसे ही समझाना पड़ेगा तुम्हें।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस जाल का अंदाजा नहीं था मुझे? असल जाल में तो तुम फंसे हो। मुखालिफों को बेवकूफ बनाया है अर्तुरुल, मगर मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब तुम मेरा असल चाल देखोगे। हम जिन हालात में घिरे हुए हैं उससे आप सब वाकिफ हैं। सरदार आला अर्तुरुल साहब के हुक्म से उमूरुलार कबीले की सरबराही मैं कर रही हूं। अब वक्त आ गया है कि यह मनसब असल हकदार के हवाले कर दिया जाए। कबीले की सरदारी की उम्मीदवार अपना हाथ खड़ा कीजिए। मैं उम्मीदवार हूं। मैं भी उम्मीदवार हूं।
उमूरुलार कबीले की सरदारी के दो उम्मीदवार हैं। मौजूदा सरदार की हैसियत से इस कबीले के तमाम लोगों की तरफ से सवाल करती हूं मैं, सरदारी मिलने के बाद आपके मकासद क्या होंगे? इस तरह अचानक अपने सरदार को खो देना हम सब के लिए सबक आमोज है। मेरा अवलिन मकसद गुज़श्ता गलतियों को ना दोहराना और सरदार आला अर्तुरुल साहब के साथ मिलकर अपनी सखावत और रिवायात को आगे बढ़ाना है। बस यही कहना था मुझे। आप क्या कहेंगे ताशकुन सरदार? रिवायात सबसे बढ़कर होती हैं, लेकिन जो सिर्फ अपना पेट भरे मैं उस हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखता। मैं अपने लोगों के लिए, उनके रेवड़ों के लिए चरागाहें बनवाऊंगा, बाजार बनवाऊंगा, कारखाने बनवाऊंगा। मुख्तसरन ये कि मेरी सरदारी का अंदाज वो होगा जिसकी हमें जरूरत है। मैं बस यही कहना चाहता हूं। आज का ये जिरगा मशवरे के लिए भी है और ये जिरगा फैसले के लिए भी है। जिसे जो कहना है कह सकता है, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सरदारी किसी फायदे या शर्फ के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए होती है। खुलासा ये कि रिवायात की पासदारी असल हदफ होना चाहिए। बत्ताल सरदार की राय से मैं मुत्तफिक हूं। फैसला आप लोगों को करना है। सिपाहियों, इन संदूकों की अच्छी तरह तलाशी लो। साफ जाहिर है कि सोना आरिकपुका के हाथों में। बरके खान के जासूस का मारा जाना और सोना आरिकपुका के हाथों में चले जाना अच्छी अलामत नहीं है। अगर आरिकपुका से हमने सोना वापस ना लिया तो बरके खान का एतमाद हम पर से खत्म हो जाएगा, इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा, अर्तुरुल की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। उस मलून से हमें हर हाल में सोना वापस लेना है। इस मकसद के लिए हमें जान भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम ही कामयाब होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भाई। Ha 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 ha
लाना था उन पर, मुझे फौरन जाना होगा। ये यहां से सीधा अपने ठिकाने पर जाएगा, हम इसका पीछा करेंगे। हमारे पास सोना वापस लेने का यही एक रास्ता है। पहले सोना हासिल करेंगे और उसके बाद इन्हें जहन्नुम वासिल कर देंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बत्ताल सरदार को उमूरोलार कबीले की सरदारी के मनसब पर कितने लोग देखना चाहते हैं? सिर्फ दो ही लोग हैं। ताशकुन सरदार को उमूरोलार की सरदारी के मनसब पर कितने लोग देखना चाहते हैं? ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आप लोग जानते हैं क्या करना है। बहुत शुक्रिया सरदार, अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया सरदार, अल्लाह आपको सलामत रखे। सरदार सलामत रखे। मैं इस पोटली के वजन को इंतखाब में जांचूंगा, जितनी वफादारी उतना ही हिस्सा। अगर मैं सरदार बना तो तुम्हें और फायदा पहुंचेगा। अब तुम्हें अपनी वफादारी दिखानी है। जिरगे ने अपना फैसला सुना दिया और अब से आप सरदार नहीं रही इलबिल के खातून। अक्सरियत के मुताबिक उमूरोलार कबीले के नए सरदार ताशकुन साहब हैं। दुआ है कि कबीले के लिए बेहतर साबित हों। बस इतना ताकुब काफी है अर्तुरुल, अब लड़ाई का वक्त आ गया है। तुमने हर हर बाज माया मगर किसी तरह जबान न खुलवा सके मेरी, लेकिन तुम्हारी जबान हर सूरत खुलवा कर ही दम लूंगा मैं। कबीले के सरदार की अगर यही ख्वाहिश है तो उनकी जौजा बनने के लिए रजामंद हूं मैं। आ!
अब इस औताक पर कोई इख्तियार नहीं रहा आपका। भूलिए मत, अब आप कबीले की सरबरा नहीं हैं, बस यहां एक मेहमान है। ये तुम्हारा ताकुब करते हुए आए हैं यहां। हमला करो सिपाहियों, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। ये रियासत के सुल्तान की जानिब से उमर उलार कबीले को महसूल वसूल करने का हुक्मनामा है। अब तुम में कितनी सलाहियत है और तुम कितने बहादुर सरदार हो, ये साबित करने का वक्त आ गया है।